नहीं, जैसा कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला तुम करो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। वैसे करो अच्छी, मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ, मैंने जो भी कह भी रखा है फेसबुक में, तुम कुछ सीख सकते हो ठीक है। और प्रॉब्लम यही है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़ी सी ऊंची गणित है ठीक है, तो आप समझ पाएं कि ना पाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि जो मैं टॉपिक लूँ वो अच्छे से आपको समझा सकूँ। अब आज सबसे विद्वान आदमी जो इस सदी का अब तक हुआ है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइए उनके बारे में बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कंसेप्ट दिया था उसको एक ट्रेन पे चढ़ने पे कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था, एकदम से उसके माइंड में कोई आइडिया आया था कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे था, तो उसने सोचा कि अगर एक ट्रेन लाइट की स्पीड से भागेगी तो उसका टाइम स्टेबल हो जाएगा, आइए इस टाइम डायलेशन पर ही कुछ बात करते हैं। टाइम डायलेशन, न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी अलग अलग है। न्यूटन कहते हैं कि टाइम हर जगह, चंद्रमा में भी एक ही टाइम होगा, यहाँ भी एक टाइम होगा, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं वो रिलेटिव है और वो बात सही भी है। आइंस्टीन ने न्यूटन की सारी थ्योरियों को चेंज करके हटा दिया। अब मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। ये आपको कहानी मिल जाएगी अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहेंगे तो, ये त्रिपुर रहस्य में कहानी है ओके। दी बुक का नाम था दी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी ओके, द देवी नेम इज त्रिपुर सुंदरी, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें एक कहानी थी, सुनिएगा इसको ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, एक चित्र भी थोड़ा सा इधर को दिखाना। देखिए, बहुत समय पहले आपको मालूम होगा कि अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, तो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था तो उसको पकड़, मतलब अगर उसको वो सारे राज्य में घूम के वापस आ जाता था तो इसका मतलब जहां जहां हो जाता था वो राज्य राजा का हो जाता था। तो ऐसा ही एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ, मुझे राजाओं के नाम ठीक से याद नहीं है। तो एक घोड़ा छोड़ा गया, मान लीजिए ये घोड़ा है ठीक है, ध्यान समझिएगा, कहानी बहुत बढ़िया है टाइम डायलेशन को लेकर के, कि टाइम का कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ऑल योर कंसेप्ट विल बी क्लियर, कि हमारी लाइफ सिर्फ कुछ सेकेंड्स की भी नहीं है। इसीलिए मान लीजिए ये एक घोड़ा था जो छोड़ा गया और वो एक राज्य में पहुंच गया ठीक है, एक राज्य था, उसमें कोई नाम आप कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पर एक साधु समाधि में बैठे हुए हैं ठीक है, ये साधु है, ये समाधि में बैठे हुए हैं, ही इज इन समाधि। अब इनका एक बेटा है ठीक है, उस बेटे ने इस घोड़े को पकड़ लिया, समझिएगा इस घोड़े को पकड़ लिया, और यहां पर पर्वत है, बहुत बड़ा सा एक पर्वत है, उस ये पत्थर है, दिस इज रॉक, देयर रॉक्स, उस रॉक में वो घोड़े को ले गया, यहां से वो इस रॉक के अंदर प्रवेश करता है ओके, अपना सबटल बॉडी से, और इस घोड़े को इसके अंदर ले जाता है ठीक है, और यहां पे ले जा करके छिपा देता है इस घोड़े को, समझिएगा। इसने क्या किया, इस समाधि में लेटे हुए बाबा के बेटे ने, कि इस घोड़े को ले जा करके रॉक के अंदर छिपा दिया। रॉक के अंदर इतने बड़े बड़े स्पेस होते हैं, आप हम और आप रॉक से नहीं कर सकते, लेकिन ये सबटल बॉडी से घुस गया, और सबटल बॉडी से घुसने के बाद इसने पूरे घोड़े को ही उसके अंदर रख लिया, छिपा दिया। आप समझिए कहानी को। अब राजा के महल में, यहाँ राजा के यहाँ हलचल मची, भाई घोड़ा कहाँ गया, अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजा का पुत्र आया, तो राजा के पुत्र ने देखा ये समाधि में थे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इनसे इनको हिलाया डुलाया तो कुछ नहीं हुआ, तो ये पुत्र दिखाई दिया यहाँ पर फिर से, तो पुत्र से पूछा भाई कहाँ है, इस पुत्र से पूछा इसने राजा के बेटे ने, भाई मेरा घोड़ा कहाँ गया, तो उन्होंने कहा घोड़ा तो कुछ बोले नहीं हुआ, तो उसी ने छिपाया, तो उसने कहा बताओ नहीं तो मैं इनको उठा दूंगा, तो इन्होंने कहा ठीक है तुम इनको उठा सकते हो तो उठा लो। तो राजा के बेटे ने काफ़ी प्रयास किया उठाने का, तो बड़ी मुश्किल से ये उठे, इस समाधि में गए वापस आए, तो राजा के बेटे इनको उठा ही नहीं पाए, तो उसने कहा ठीक है मैं इनको खुद उठाता हूँ। तो जो साधु बाबा के बेटे थे, इन्होंने साधु बाबा के अंदर प्रवेश किया और साधु बाबा को वापस लाए समाधि से, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तब साधु बोले देखो ऐसी ऐसी बात है, तब इन्होंने कोई घटना सुनाई क्यों ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जब बात संपूर्ण हो गई, तो जब
ये सब आपस में मतलब इन्होंने वो कर लिया, तब साधु का बेटा बोला राजा के बेटे, चलो मैं तुम्हें घोड़ा दिला देता हूं। तो ये इसको लेके यहाँ रॉक के पास पहुंचा। अब ये साधु बाबा है, ये राजा बाबा है, साधु बाबा का बेटा है और ये राजा बेटा है। अब साधु का बेटा तो इसके अंदर प्रवेश कर गया सीधे सबटिल बॉडी से, लेकिन राजा का बेटा इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अब कहता कैसे जाऊं, तो साधु के बेटे ने इसको भी अंदर से निकाला सबटिल बॉडी से और इसको लेकर के इन पोर्स के अंदर घुस गया। अब इसने क्या किया था, साधु के बेटे को इतनी पावर थी कि इसने पूरा अपना एक यूनिवर्स बनाया था इसके अंदर, इस रॉक के अंदर आप सोचिए इसने अपना यूनिवर्स बना डाला था। इस फॉर्म्ड इस ओन यूनिवर्स इनसाइड द रॉक। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक आदमी खुद का यूनिवर्स बना सकता है। विश्वामित्र भी यही केस है, विश्वामित्र वाज हैविंग सो मच पावर कैट ही कैन मेक तभी तो मेक हिज ओन यूनिवर्स। ओके, तो एक आदमी का पोटेंशियल कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं। एक आदमी अपना यूनिवर्स बना सकता है और आप यहाँ पर एक नौकरी ढूंढ रहे। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता नहीं ढूंढिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करिए उसके बाद ऐसे सोचिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप आए, अब जब इसके अंदर दोनों पहुंच गए तो इसने क्या किया, इसने कहा अपना मेरा यूनिवर्स घूम लो। इस राजा के बेटे ने और इन दोनों ने अपना यहाँ घूमा, एक दिन घूमा मतलब घूमे हुए। अब एक दिन बीत गया तो उसने कहा अब मैं चलता हूँ। तो साधु का बेटा राजा के बेटे से बोला, ऐसा है तुमने जो इसके अंदर मेरे यूनिवर्स के अंदर एक दिन बिताया है, ठीक है, एक दिन समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुमने जो इसके अंदर एक दिन बिताया है, बाहर अर्थ पे वहां बाहर 12,000 साल बीत गए हैं, 12,000 ईयर्स है पास इन दिस अर्थ। ना राजा है, ना साधु है, ना बाबा है, ना तुम्हारा राज्य, सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज चेंज्ड। ओके, तो दिस इज ए फैंटास्टिक स्टोरी अबाउट टाइम डायलेशन एंड हाउ टाइम रिलेटिवली चेंजेस इन यूनिवर्स। ओके, तो आप जो ये सोच रहे हो कि हम यहां पर जी रहे हैं इतने साल, हमारा जीवन इतना लंबा है 100 साल का, ये कुछ भी नहीं है अगर इसको यूनिवर्सल प्रोस्पेक्ट में सोचा जाए। तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, ब्लिस में एक खाली मूवमेंट होती है। ओके, और पूरा यूनिवर्स फॉर्म होता है और तुरंत ही वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसने कहा कि जो तुमने यहाँ अंदर एक दिन बिताया है वो बाहर 12,000 ईयर्स पास हो गए। और वास्तव में जब बाद में इसने राजा के बेटे को बाहर निकाला तो उसके बाद उसने देखा कि सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। ओके, सो दिस इज अ फैंटास्टिक स्टोरी। I'm not remembering the name of book. It was a Tripur Rahasya. Okay, something like Tripur Rahasya. Okay, a book on Tripur Rahasya. Tripur Sundari. There was some book like Tripur Sundari. Okay, so now you see how small our life is. Okay, it is an infinite, very, very small. Okay, it's so small that you cannot imagine. Okay, it is so small that you cannot imagine. So it takes seconds. Okay, there is a movement in the supreme consciousness. A universe is formed. Organisms are formed and they are gone within seconds. Okay, so this is the power of universal consciousness. And this is one of the best examples to understand the Einstein theory of relativity. That he says time is a relative factor. Okay, so in some universe it is just one day, in another universe it is 12,000 years have passed. So you can imagine. Okay, thank you.